Hello everyone, good evening and welcome to the official YouTube channel of Nyaya Academy. This is me bringing to you a special series जिसमें हम बात कर रहे हैं हिंदू editorial analysis की. Daily basis पे हम हिंदू के editorial का analysis करते हैं, 25 मई का newspaper उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन से editorials आपको cover करने चाहिए आज के newspaper में से. सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपने सिर्फ तीन ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो उनको आपने पढ़ना है. वो तीन एडिटोरियल्स यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स, और उसके साथ आपको जोड़कर पढ़ना है हार्डली द 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर. एंड इसके अलावा जियांग रेज ने एक एडिटोरियल लिखा है जो कि नरेगा से रिलेटेड है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट से रिलेटेड है, रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, द नीड फॉर अ मिलियन वर्क साइट्स नाउ. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल. इसके अलावा देखिए, देखने में इंपॉर्टेंट लग सकते हैं लेकिन आपने नहीं पढ़ने हैं. कारण क्या है कि अगर आप इससे गो थ्रू होंगे, द रीजन वाई वी ब्रिंग टू यू दीज एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो इज कि आपको कई बार क्या होता है, बहुत सारे नए हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं, फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं, इवन जो हमारे सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने एक बार स्वाद चखा हुआ है यूपीएससी का, तो सीनियर प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें वो भी कई बार थोड़ा सा चकमा खा जाते हैं जब बात आती है हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की, तो वहां पे वो कुछ चीजें ऐसी ऑब्सोलीट रख लेते हैं. तो हमारा न्याय अकेडमी के इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने ये सारा का सारा प्रोसेस लाने का एक ही मकसद है. वो मकसद ये है कि आप वही चीज उठाएं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में यूज हो सकती है. तो ओनली दोज थिंग्स विल बी डिस्कस जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उसका फायदा उठा सके. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेट ऑफ एडिटोरियल्स के साथ. द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल दैट विल टॉक अबाउट फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स, और इसी के साथ हमने लिंक करके ये वाला एडिटोरियल हार्डली द 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दोनों एडिटोरियल्स को साथ में देखना होगा. सबसे पहले फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स को उठाते हैं, द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल. नाउ फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स की अगर हम बात करें, यहां पे बात की है जो इनकम सपोर्ट स्कीम को अभी चलाया है रिसेंटली गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर बात करी जा रही है. इनफैक्ट उसका स्टेट लेवल पे क्या असर पड़ा है एंड स्टेट्स ने अपने लेवल पे किस तरीके से स्कीम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, उस सब से फार्मर्स के ऊपर और फार्म्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, वो इस एडिटोरियल में निकल कर आ रहा है. हमने इस एडिटोरियल को पढ़ना है GS2 के पर्सपेक्टिव से, हमने इसे पढ़ना है GS3 के पर्सपेक्टिव से भी जहां पे एग्रीकल्चर की बात होती है. प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें से कम बनेंगे लेकिन देर आर चांसेस, जहां पे पॉलिसी इनिशिएटिव्स की बात आ जाती है वहां पे सवाल बन सकता है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहां से. नाउ इनकम सपोर्ट सर्व्स अ पर्पस बट द फार्म सेक्टर नीड्स अ लॉट मोर. आप सिर्फ और सिर्फ इनकम सपोर्ट की बात कर रहे हैं लेकिन फार्म सेक्टर जो है उसको इससे कई ज्यादा चीजों की जरूरत है. अभी रिसेंटली अगर छत्तीसगढ़ के स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिस तरीके से हमारा चैनल है उसी हिसाब से उन्होंने न्याय योजना चलाई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लास्ट वीक जो है इन्होंने इंप्लीमेंट करनी शुरू की, विच एम्स टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द स्टेट्स 18 लाख राइस मेज एंड शुगर केन फार्मर्स बाय 10,000 रुपीज टू 13,000 पर एकड़, 10,000 से 13,000 रुपए प्रति एकड़ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है 18 लाख फार्मर्स की इनकम थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स. तो ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स है, अभी जियांग रेज का जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स है ये किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं एंड वापस से इनको हमारे मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए. नाउ बिसाइड्स पीएम किसान स्कीम जो 6,000 रुपए जो है वो फार्मर्स को, फार्म फैमिलीज को प्रोवाइड करना चाह रहा है. पीएम किसान स्कीम एज सच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज में डिस्कस भी की है. नाउ फार्म फैमिलीज को जो कि पर्टिकुलरली 5 एकड़ जमीन से कम की कह लीजिए उनकी ओनरशिप है, उन लोगों को, उन फार्म फैमिलीज को ये पीएम किसान स्कीम जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है. तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स के अंदर सिमिलर स्कीम्स जो कि कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स के तौर पर चलती हैं वो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए चलाई गई हैं. फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड द फार्मर इंडिया हैज एन एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम विच वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद पीडीएस. एक तरफ आप फार्मर्स की इनकम को सिक्योर करते हैं, दूसरी तरफ आप कंज्यूमर्स की तरफ से सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की आप बात कर लीजिए या फिर प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर लीजिए, दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं.
PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी की बात करें तो ना तो एमएसपी की प्रोक्योरमेंट्स ना ही पीडीएस की आप कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के दोनों ही यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं एंड रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। रीजनल वेरिएशंस की वजह से देखिए दोस्तों, इस पूरे एस्पेक्ट में मैं इतना समय इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यही सारी चीजें आपने मेंस में अपने एसेज में लिखनी है। नाउ MSPs are fixed at 1.5 times the cost of production for farmers. लेकिन ये कैलकुलेशन भी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर बेस्ड है। आपसे सवाल अगर आता है तो यहाँ पे एमएसपी के फॉर्मूला के ऊपर, फॉर्मूला के ऊपर सवाल आ सकता है कि क्या फॉर्मूला है। एंड वेदर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वॉट इज आर्क्रॉइड, आर्क्रॉइड फॉर्मूला, एंड ये आर्क्रॉइड फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, आर्क्रॉइड फॉर्मूला किससे रिलेटेड है। अब आपके ऑप्शंस जो हैं वो आपने ही डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आपने देखना है कि ये आर्क्रॉइड फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, राइट। दीज इनकम सपोर्ट स्कीम्स टारगेट लैंड ओनर्स एंड दे बाईपास टेनेंट्स एंड लेबरर्स। जो व्यक्ति लैंड ओनर नहीं है उस व्यक्ति को बाईपास कर दिया, टेनेंट्स को, लेबरर्स को बाईपास कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें तो जहां पे फार्म फैमिलीज की बात हो रही है, यहाँ पे 5 acres जमीन से कम जिसके पास जमीन है उसकी बात हो रही है, तो जो टेनेंट्स हैं वो यहाँ से बाहर निकल गए, लेबर क्लास है जो फार्म लेबर है वो भी यहां से बाहर निकल जाती है, वो इस परव्यू में, इस स्कीम के परव्यू में नहीं आती है। नाउ दीज इंटरवेंशन ऑल दे आर ऑल्सो ओनली पैलेटिव, पैलिएटिव है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वाद जो है बदलने के लिए है, एंड दे कैन नॉट एड्रेस दी अंडरलाइन प्रॉब्लम। ये अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या है कि जो पूरा नेचर ऑफ फार्मिंग है ये नॉन रिम्यूनरेटिव है, यहां से फायदा नहीं निकल कर आ सकता है। अगर आप इसमें ज्यादा मार्केट ड्रिवन अप्रोच करेंगे तभी कुछ प्रपोज्ड जो जैसा सोल्यूशन हमने देखा है यहां से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी क्या करना चाहिए, आपको यूएस की तरफ से जो सप्लाई चेन क्राइसिस को मैनेज करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें से आपको एग्जांपल उठाना चाहिए कि ऐसे में भी यूएस जैसे इतने इंस्ट्रक्टिव स्टेट के अंदर भी जो सप्लाई चेन, सॉरी नॉट इंस्ट्रक्टिव, इतना एग्जॉस्टिव तरीके से मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर जैसे यूएस में है, वहां पे भी सप्लाई चेन क्राइसिस आ गया है ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के चलते यूएस जैसी कंट्री के अंदर भी यहां पे देखने को मिलता है ऐसा क्राइसिस। कंसिडर्ड सुप्रीमली एफिशिएंट, यूएस इज कंसिडर्ड रियली एफिशिएंट, इट एंडेड अप विद वेस्टेड प्रोड्यूस एंड अनमेट डिमांड एज द पेंडेमिक इरप्टेड। तो ना तो डिमांड मीट की गई ना ही प्रोड्यूस को आपने ऑप्टिमाइज्ड तरीके से यूज करवा पाए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस वेस्ट हो गया। नाउ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट दिस फ्रेश लर्निंग फ्रॉम द पेंडेमिक, और इससे जो निकल कर आने वाली हमारी वल्नरेबिलिटीज है और उससे रिलेटेड सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी है, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। द लिस्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ऑल्सो लॉन्ग। कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है इसमें, लैंड रिकॉर्ड्स मेसी हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पे ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स फेक एग्जिस्ट करते हैं जो बेसिकली जिसको आप कहते हैं बेनामी जमीनें एग्जिस्ट करती हैं, एंड बहुत जगह पे लैंड रिकॉर्ड्स की वजह से करप्शन भी निकल कर आती है। अनसाइंटिफिक अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न्स है हमारे, मार्केट लिंकेजेस वीक है जो कि फार्मर को वल्नरेबल बनाते हैं, एंड एक्सप्लॉयटेशन होती है उनकी ऑफिशियल्स और मिडिलमैन के द्वारा। इनएडिक्वेट इरिगेशन है, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अधूरी है, conflict with wildlife है, and changing weather and climate patterns, ये तो ऊपर से सोने पे सुहागा जैसी situation हो जाती है। I know the analogy is wrong, but still आप कह लीजिए कि ये सारे के सारे factors add on हो जाते हैं। देखिए एक ही line के अंदर इस पूरे editorial ने एक ही line के अंदर आपको पूरा का पूरा agriculture sector कह लीजिए और उसके loopholes, वो जो उसकी pre-existing morbidities है, morbidities मतलब जिसके कारण इसकी हत्या कह लीजिए, sorry हत्या नहीं शब्द use करेंगे, हाँ इसकी मृत्यु हो जाती है, तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो नुकसान पहुंचा रही है, ये सारी की सारी लिस्ट है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस लिस्ट को आपने नोट कर लेना है और इसे यूज करना है अपने आंसर्स के अंदर। एंड व्हाट यू कैन डू इज इसी लिस्ट के बेसिस पे आप अपना पैराग्राफ फॉर्म में आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल जो इसी के साथ लिंक्ड है, एंड प्रेजेंट जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इशू किए हैं उससे रिलेटेड है। हार्डली द 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर, हिमांशु जी ने ये एडिटोरियल लिखा है, इज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग स्कूल फॉर सोशल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी।
जेएनयू न्यूज में रहती है, आज इस न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, हार्डली द 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर। इसके अंदर बात की गई है जो तीन बेसिक रिफॉर्म्स अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इशू किए, सबसे पहले एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट, फिर उसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने कोविड 19 के अंदर, उस चीज को हमने समझना है कि वो किस तरीके से हमारे लिए फायदा कर सकता है और नुकसान कर सकता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एपीएमसी की, तो एपीएमसी के अंदर ऐसा नहीं है कि इट इज फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, इनफैक्ट ये चीज, ये प्रोसेस 2013 से चल रहा है और लेटेस्ट 2017 के अंदर मॉडल एपीएमसी एक्ट जो है नीति आयोग ने बनाया था। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत समय से बोल रहा हूं कि जो ये नीति आयोग का जो एक्ट है, मॉडल एपीएमसी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप चाहते हैं तो prsindia.org से आप सीधा इसका समराइज्ड फैशन में इसका कह लीजिए कंटेंट ले सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट, मैं एग्रीकल्चर के ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना सकता हूं, एक सीरीज चला सकते हैं जिसमें हम, अगर आपकी इच्छा हो तो हम एग्रीकल्चर को तहे दिल से डिस्कस कर सकते हैं बहुत गहराई में, जिस तरीके से हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, जिस तरीके से हमारा पॉलिटी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसी लेवल पर, उसी तर्ज पर हम उसे चला सकते हैं। सो इफ यू वांट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर भी एक सीरीज चला सकते हैं। नाउ द मेन आर्ग्यूमेंट एपीएमसी एक्ट के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है दैट इट क्रिएट्स बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ट्रेडर्स एंड मेक्स द सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कंपल्सरी फॉर फार्मर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। तो एक ऐसा नोड बन गया है ये एपीएमसी, ये जो मंडी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एपीएमसी को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे ऐसे समझिए कि एक मार्केट कमेटी होती है, उसको आप मंडी के नाम से जानते हैं, तो मंडी या एपीएमसी को हम ये कह देते हैं मंडी बोर्ड कह देते हैं, तो मंडी बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं एपीएमसी एक्ट के तहत। उन्हीं एपीएमसी एक्ट के अंदर आप समझिए कि इसमें बहुत ज्यादा कह लीजिए ऑफिशियल्स का करप्शन चलता है, जहां पे आड़ती लोग जो है ऑफिशियल्स के साथ टाई अप्स करते हैं, फिर उसके बाद जो फार्मर को प्राइस मिलती है, क्योंकि जबरदस्ती आप इस पॉइंट के ऊपर सेल और परचेज करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहां पे एंट्री और एग्जिट ऑफ ट्रेडर एज वेल एज फार्मर दोनों का ही एंट्री और एग्जिट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड तरीके से है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इट इज नॉट ओपन। तो ये चीज की वजह से मेन, दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट जहां पे एपीएमसी एक्ट फेल हो जाता है। एंड इनफैक्ट इसकी बात अगर हम करें तो 17 के करीब स्टेट्स ने अपने हिसाब से एपीएमसी एक्ट को अमेंड भी किया है। कारण क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अब सवाल यहां पे बनता है प्रीलिम्स का, ये सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का कि स्टेट सब्जेक्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट में, तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है। तो एपीएमसी एक्ट के ऊपर आप मान के चलिए कि सवाल बन सकता है, आपने एपीएमसी एक्ट के बारे में इन्स एंड आउट्स कवर करने, हम भी इसे अपने करंट अफेयर सीरीज में कवर करेंगे। नाउ केरला डज नॉट हैव एन एपीएमसी एक्ट, फॉर एग्जाम्पल बिहार की अगर हम बात करें तो 2006 में बिहार ने भी रिपील कर दिया, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दे हैव डीरेगुलेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्रेड एंड अलाउड प्राइवेट मार्केट्स टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड ट्रेडिंग लाइसेंस एंड दे हैव अलाउड अ सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी। तो मार्केट फी लेवी करने के लिए एक सिंगल पॉइंट बना दिया, प्राइवेट मार्केट्स को इंक्लूड कर दिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ट्रेड को एपीएमसी की रेगुलेशन से बाहर कर दिया। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स अलग अलग स्टेट्स ने उठाए हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु हैज ऑलरेडी रिफॉर्म्ड इट्स एपीएमसी विद नो मार्केट फी, उसमें मार्केट फी को ही खत्म कर दिया। सेवरल अदर स्टेट्स जैसे झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये यूके इंग्लैंड नहीं है, ये है उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान, दे हैव अंडरटेकन वन और मोर ऑफ दीज रिफॉर्म्स। तो ये सारे रिफॉर्म्स एपीएमसी के अंदर आप देखिए स्टेट लेवल पे उठाए जा रहे हैं। सिमिलर फैशन में मॉडल एपीएमसी एक्ट को नीति आयोग ने डिजाइन किया था, उस नीति आयोग के बनाए गए मॉडल एपीएमसी एक्ट के ऊपर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। नाउ द प्रॉब्लम विद मंडीज, ये जिन मंडीज की हम बात करें एपीएमसी के अंदर, इज दैट नॉट द रेगुलेशन पर से, कि जिस हिसाब से वो रेगुलेशन करते हैं सिर्फ वही चीज प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी एक मेजर इशू है इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज मार्केट्स। नाउ देयर आर मोर ऑब्वियस इन द केसेस ऑफ लार्ज मंडीज, उसके दीज आर मोर ऑब्वियस, लार्ज मंडीज के केस में ये थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है, स्पेशलाइजिंग इन कमर्शियल क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जहां पे प्रोडक्शन जो है वो रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अगर इन्हीं डेफिशिएंसीज की हम बात करें तो एपीएमसी मंडीज दे कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मार्केट
फॉर फार्मर्स। ऐसा नहीं है कि इनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन इनको किसी तरीके से रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि फार्मर्स के लिए आज भी ये एक तरीके का मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से वेबसाइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लिखा होता उसी तरीके से। नाउ व्हाइल देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ कोलूजन एंड करप्शन इन द रनिंग ऑफ दीज एपीएमसीज, दे कंटिन्यू टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज टू द फार्मर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एज अगेंस्ट द रिकमेंडेशन, जो अभी रिसेंटली रिकमेंडेशन आई है, अ रेगुलेटेड मार्केट शुड बी अवेलेबल टू फार्मर्स विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेडियस तक एक फार्मर को एपीएमसी रेगुलेटेड मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ मार्केट कितना होना चाहिए, 80 स्क्वायर किलोमीटर का, एक 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक मार्केट के अंदर आना चाहिए। तो ये रेगुलेटेड एरिया कितना आ रहा है, 457 स्क्वायर किलोमीटर। Now, 457 square kilometers as compared to 5 kilometers. तो ये बहुत बड़ा है। And in fact, there are 7,000 regulated markets. 20,000 rural markets exist करती हैं, जो rural areas में मंडीज exist करती हैं। ये figure जो है आधी है, इससे दुगनी value, दुगने number में हमें market committees या कह लीजिए regulated markets या rural markets की जरूरत है। Most of the existing ones require investment in upgradation of infrastructure. कारण क्या है कि ज्यादातर जो वो प्रोड्यूस रखते हैं कोल्ड स्टोरेज उनके पास है नहीं, तो कोल्ड स्टोरेज की कमी की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, दे आर अनेबल टू स्टोर एंड प्रोक्योर मोर ऑफ द प्रोड्यूस। नाउ इसी के साथ साथ दीज आर नॉट द ओनली बॉटलनेक्स फॉर फार्मर्स, दे आर नॉट रिसीविंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस एज वेल। तो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस भी सही तरीके से मिल नहीं पा रही है। This is why the APMC Act is flawed. इस वजह से APMC Act flawed है, and in fact more than 80% of the farmers, most of whom are small and marginal farmers, they do not sell their produce in APMC mandis. कारण ही ये है कि वो APMC mandis को आपने इतना lucrative बनाया ही नहीं। अगर आप उसको और ज्यादा lucrative बनाते हैं और ज्यादा काबिले तारीफ बनाते हैं तो बहुत सारे फार्मर्स उसी प्रोसेस के जरिए जाना पसंद करेंगे, लेकिन नहीं, उनको प्राइवेट मंडी के अंदर जाना पड़ता है। नाउ गुड एग्जांपल इन दिस केस इज द डिक्लाइन इन मिल्क प्राइसेस। कैसे, ये भी समझ लेते हैं, ये एग्जांपल इस एडिटोरियल ने दिया। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड प्राइवेट डेयरीज, द कोलैप्स ऑफ मिल्क प्राइसेस रिफ्लेक्ट द डिक्लाइन इन डिमांड इन द इकोनॉमी, नॉट द डिस्टॉर्शंस इन द प्राइवेट मार्केट्स। तो प्राइवेट मार्केट्स की डिस्टॉर्शन की बात नहीं है, डिक्लाइन इन डिमांड भी तो हो सकता है। सो बेसिकली आप डिमांड साइड को भी तो थोड़ा पुश दीजिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन द रीसेंट पार्ट्स। फर्स्ट पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 सालों के अंदर अंदर ये देखा गया है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जिसमें इनपुट कॉस्ट आउटपुट कॉस्ट की अगर हम बैलेंस की बात करें, दे हैव मूव्ड अगेंस्ट एग्रीकल्चर एंड देयर हैज बीन अ वीक डिमांड एंड विद ऑब्सेशन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो कि हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए करते हैं, आरबीआई करता है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी हमारी सरकार बनाती है। मोस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज दे हैव सीन अ शार्प डिक्लाइन इन डिमांड, उनमें डिमांड के अंदर डिक्लाइन आया है एंड कॉन्सिक्वेंटली प्राइसेज रिसीव बाय फार्मर्स वो भी कम होते गए। सो ये बात समझनी जरूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी को, मंडीज को ही नहीं दोष दीजिए, डिमांड को भी आपने पुश करना है। तो किसी तरीके से आप डिमांड को कैसे पुश करेंगे, साफ साफ सवाल, डिमांड को आपने पुश करना है तो आपको परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। अभी एंड कंज्यूमर की परचेजिंग पावर नहीं है, और अगर परचेजिंग पावर आप नहीं बढ़ा सकते तो आप क्या कर सकते हैं डिमांड के लिए, आप सीधे तौर पर प्रोक्योरमेंट जो है गवर्नमेंट लेवल पे कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट एट सेंटर लेवल, नॉट स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे मैं बोलूंगा, रीजन बीइंग के सेंट्रल लेवल थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, एंड फिर उसको आप पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि वेस्टेज ज्यादा ना हो। नाउ द आर्गुमेंट फॉर चॉइस ऑफ मार्केट, जहां पे आप कहते हैं कि नहीं चॉइस ऑफ मार्केट होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना चाहिए, दैट इज ओनली वैलिड एज लॉन्ग एज देयर आर बायर्स। अगर खरीदार ही नहीं होंगे तो चॉइस ऑफ मार्केट्स का क्या आप करेंगे, है ना। मार्केटिंग रिफॉर्म्स विल नॉट लीड टू हायर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर। सिर्फ और सिर्फ आप ये करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर पाएंगे कि आप चॉइस ऑफ मार्केट्स इंक्रीज कर देंगे, लेकिन फार्मर्स की इनकम को या आप कह लीजिए प्राइस रियलाइजेशन को अगर आपने इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको अंडरलाइन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि अभी अनफेवरेबल है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए, तो उनको फेवरेबल कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट यू शुड डू, जैसा कि मैंने सलाह दी, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंक्रीज फिस्कल स्पेंडिंग टू क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी। सो वन ऑफ द वेज इज प्रोक्योरमेंट खुद करें, द अदर वे इज
परचेजिंग पावर बढ़ाने हैं। परचेजिंग पावर से रिलेटेड ही हमारा अगला एडिटोरियल है, द नीड फॉर अ मिलियन वर्कसाइट्स नाउ। तो जियान द्रेस जी हैं, यही इज अ प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रांची यूनिवर्सिटी। जनरली इनके बहुत ज्यादा क्रिटिकल एडिटोरियल्स होते हैं, इनमें से लिमिटेड चीजें ही आपको उठानी है। रीजन बीइंग हमने ये चीजें उठानी है बिकॉज दिस इज अ जर्नलिस्ट एसे, तो ये जर्नलिस्ट एसेज के लिए ही हमें, हमारे एससी के एग्जाम के लिए ही बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, तो उन चीजों को ही हमने यूज करना है। चलिए उठाते हैं उन्हीं चीजों को, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। द नीड फॉर अ मिलियन वर्कसाइट, एवर्टिंग अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इन इंडिया कॉल्स फॉर एन एक्सप्लोजन ऑफ नरेगा वर्क इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यहां पर साफ तौर पर एक ही बात बोली गई है, इस पूरे एडिटोरियल में नरेगा की तारीफ होगी, आपको मैं साफ तौर पर बता देता हूं। तो ये जो नरेगा की तारीफ होगी, इसको हमने सही तरीके से कैसे लेना है वो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, हमने ध्यान से इस चीजों को कवर करना है। नाउ पहली चीज तो ये इन्होंने बोला कि वैसे तो बहुत सूरत हाल बिगड़े हुए हैं, लेकिन पीडीएस सिस्टम की वजह से वी आर प्रिवेंटिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। जहां पे ये बात तक भी बोली गई, एक एपीयू यूनिवर्सिटी के थ्रू ये बात बोली गई, ये सर्वे हुआ था, दैट अबाउट 86% के आसपास जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स हैं, दे आर करंटली रिसीविंग फूड राशन्स, एंड इनफैक्ट जो ये डबलिंग ऑफ फूड राशन्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये गवर्नमेंट की जो पहल है, ये बहुत ही बढ़िया मूव है। दिस हैज एवरी रीजन टू एक्सटेंड इट बियॉन्ड द एंड ऑफ जून, तो सरकार को इसे जून से आगे भी लेके जाना चाहिए। कारण क्या है, देखिए समझिए, पीडीएस में अपने आप बहुत सारे लूपहोल्स हैं, जहां पे पीडीएस खुद अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल इट लीव्स अस आउट अबाउट 500 मिलियन की अगर हम बात करें तो ये करीब 50 करोड़ लोगों की बात हो जाती है। नाउ इसी चीज को हमने समझना है, यहां पे एक और जीरो लगा दीजिए, इतने लाख हो गए तो ये 50 करोड़ हो गए, ऐसे समझिए। तो इतने लोग जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो उसके आसपास, अब ये पॉवर्टी की डेफिनेशन अलग है, अब अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल मेरा ये मानना है कि अगर पीडीएस की बात करें तो 50 करोड़ नहीं भी सही, तो करीब 1 से 3 करोड़ लोग जो है, नाउ दिस इज अ वेरी बिग रेशियो, 1 से 3 कहना बहुत बड़ा है, तो आप लेके चलिए कि 1 से 3 करोड़ लोग जो है अभी भी पीडीएस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, उनको इंक्लूड किया जा सकता है। नाउ इवन फॉर दोज हु आर कवर्ड, पीडीएस इज लिटल मोर देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंगर, तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो बात छोड़ ही दीजिए, ये एडिक्वेट न्यूट्रिशन तक भी आपको इंश्योर नहीं करा पाता है। तो पीडीएस में ये इश्यूज तो है, ये इनबिल्ट इश्यूज हैं, लेकिन इसमें एक सलाह दी गई है कि व्हाट यू कैन डू इज, आप सीधे तौर पे, नो सिंपल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दोज इन नीड, आप कोई सिंपल तरीका नहीं है, जैसे यहां पे 50 करोड़ बोला मैं, 1 से 3 करोड़ बोल रहा हूं, कोई सिंपल तरीका नहीं है आइडेंटिफाई करने का, लेकिन आपको कवर करना होगा सबको, दैट वुड अमाउंट टू स्प्रेडिंग द मनी वेरी थिन। अब अगर ज्यादा लोगों को कवर करेंगे तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही पैसा कम होता जाएगा, मोर द पीपल लेस द मनी, पीपल ज्यादा होंगे पैसा कम होगा, क्योंकि आपने पैसा तो उतना ही एलोकेट करना जितना जेब में है ना, जितने ज्यादा लोग होंगे, मोर द मेरियर नहीं होता है यहाँ पे, है ना, तो ये चीज समझनी है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम को यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको एक चीज पता चलती है कि कुछ भी प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ फिगर जो आप डिसाइड करते हैं तो पता चलता है कि वो एक एक व्यक्ति के पास जो बेसिक इनकम आती है, इट इज रिड्यूस्ड टू पिटेंस के, मामूली पीनट्स के लेवल पर वो आ जाती है। लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हैं, मनरेगा को स्ट्रॉन्ग बनाकर इट कैन ऑफर एन ऑब्वियस अल्टरनेटिव एटलीस्ट फॉर रूरल एरियाज, जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट ऑन डिमांड एट बेसिक वेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नरेगा की, जैसे मैंने आपको कहा कि इस एडिटोरियल में तारीफ की गई है, पहली चीज तो ये कि इन्होंने बोला कि डिमांड फॉर नरेगा वर्क इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, अभी नरेगा के काम की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग, In fact, most people would prefer to do some work and earn little than to sit idle with empty pockets. So, इस तरीके की सोच विचार, for example, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं exams की, right? तो ये सारी मेहनत जो है, it is saying this thing कि हम आपके फालतू में वेले नहीं बैठना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं. Wages are still low, अगर हम नरेगा की बात करें. Payments are still far from timely and reliable. लेकिन क्या किया गया है? बेसिकली देर इज नथिंग बेटर ऑन कार्ड्स, अभी एज ऑफ नाउ इससे बेहतर और कोई चीज आपको अवेलेबल नहीं होगी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। नाउ विदाउट असिस्टेंस मोस्ट वर्कर्स वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सबमिट वर्क एप्लीकेशंस। कारण क्या है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यह इनिशिएटिव शुरू किया था ऑफ ई मस्टर रोल्स, एंड ऐसे में पहले क्या होता था कि ये जो रूरल वर्कर्स हुआ करते थे, they were basically
गिविंग ऑन द स्पॉट एनरोलमेंट्स. तो ऑन द स्पॉट एनरोल किया जाता था, वर्कसाइट के ऊपर एनरोल किया जाता था उनको. लेकिन अभी क्या है, रूरल वर्कर्स जो है उनको ई मस्टर रोल्स के अंदर एनरोलमेंट मिलती है, एंड दे आर नॉट जनरली इनिशिएटेड बाय द वर्कर्स देमसेल्व्स. तो वर्कर्स खुद नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट रिलेटिवली एम्पावर्ड. तो उनकी वर्क एप्लीकेशंस में गिरावट देखने को मिली है. नाउ अप्लाइंग फॉर वर्क वॉज अ राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन, ये बात यहाँ पे बोली गई है. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन टू हैव बीन रिटन. तो इस लाइन को आपने नोट कर लेना है, दैट अप्लाइंग फॉर वर्क वॉज अ राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन. बॉस की जगह पे आप इज कर सकते हैं, अप्लाइंग फॉर वर्क इज अ राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन. लेकिन अभी क्या हो रहा है, इट इज मोर ऑफ एन ऑब्लिगेशन. नो वन कैन बी एम्प्लॉयड अनलेस हिज और हर नेम इज एंटर्ड इन एडवांस इन द ई मस्टर रोल्स. और ई मस्टर रोल्स आपको पता ही है कि जिस तरीके से हमारा भारत है, तो इंडिया वर्सेज भारत का डिवाइड है, जिसकी वजह से ये टेक्निकली साउंड, ये तो छोड़िए रूरल वर्कर्स की बात छोड़िए, जो अर्बन वर्कर्स भी हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट देमसेल्व्स एनरोल्ड. एंड एक और इसके ऊपर, ये ई मस्टर रोल्स की जगह पे उन्होंने बोला, जियान रेज ने ये बात बोली कि आप एनरोलमेंट ऑन साइट कीजिए, एनरोलमेंट एट वर्क साइट करना शुरू कर दीजिए वापस से. एंड उसको उसका यूजर इंटरफेस जो है थोड़ा सा फ्रेंडली बनाइए. जिस तरीके से आपका मोबाइल फोन बहुत यूजर इंटरफेस उसका फ्रेंडली होता है, उसी तरीके से ये जो स्कीम का यूजर इंटरफेस है इसे फ्रेंडली बनाइए. एंड इसके अलावा एक बात बोली कि कैश पेमेंट ऑफ वेजेस करना शुरू कीजिए. नाउ ये बात बोलते हुए बहुत डरे भी हैं बोलने से पहले. एंड एक चीज और है, वो बात ये है कि आप कैश इंसेंटिव्स या कह लीजिए कैश पेमेंट ऑफ वेजेस है, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स होते थे. पुराने समय में ऐसा होता था कि एक व्यक्ति से सैलरी लिखवा ली जाती थी, लेकिन जो है वो जाती किसी और की जेब में थी. तो वो जाती किसी और के जेब में थी. इसी प्रोसेस को तोड़ने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है यूज किया गया था. लेकिन एक बात बोली गई है, दैट दिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैज मियरली चेंज्ड द मोडालिटीज ऑफ करप्शन इन नरेगा. द क्रुक्स यूज्ड टू फज पेपर रिकॉर्ड्स, नाउ दे फज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. तो ये बात बोली जा रही है कि पहले पेपर रिकॉर्ड्स जो है वो उसको फज किया जाता था, उसको इधर से उधर किया जाता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को फज करना शुरू कर दिया गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज बीन सेड. इवन इफ कैश पेमेंट्स आर अ लिटिल मोर वल्नरेबल टू लीकेजेस, तब भी दैट मे बी अ टॉलरेबल प्राइस. कारण क्या है कि सीधे तौर पे आप परचेजिंग पावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परचेजिंग पावर को सीधे तौर पे एक वर्कर की परचेजिंग पावर को आप बढ़ा सकते हैं. नहीं तो अभी क्या है, अभी बेसिकली दे इंक्लूड पेमेंट रिजेक्शन रेट ऑफ 4% according to official data, and that is due to the tyranny of QC. QC क्या है? QC basically जाना जाता है, झारखंड के अंदर QC के नाम से जाना जाता है. ये basically है KYC, know your customer, ये जो process है, इसकी वजह से 4% लोगों को payment reject हो जाती है, and उसकी वजह से वो आगे के process में फंस जाते हैं. तो ये जो process है, इस चीज को आपको avoid करना चाहिए. लोगों के हाथ में आप पैसा दे सकें, उसके का कोई प्रावधान किया जा सकता है. तो ऐसे में जहां यहां editorial में बोला गया कि आप cash transfer करें, उसकी जगह पे what you can do is, and in fact ये government से भी suggestion रहेगा, I hope सरकार में, I don't think कि न्याय academy के इस वीडियो को शायद मोदी जी तो नहीं देखेंगे, बट अगर कोई भी देख रहा है सरकार से रिलेटेड, कहीं पे भी ये बात पहुंच रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि कैश ट्रांसफर की तरफ नहीं भी अगर हम जाते हैं, तो हम बेसिकली ई ट्रांसफर्स की तरफ जा सकते हैं, जहां पे ई ट्रांसफर्स में आप जैम ट्रिनिटी को सही तरीके से यूज करें, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का किसी ना किसी तरीके से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज कर लेते हैं, देयर इज अ प्रोसेस जिसमें आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि अभी ये साइंस का लेक्चर नहीं चल रहा, बट आई वुड से कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप यूज कीजिए ना, और उसको जैम ट्रिनिटी में लगाइए, जैम ट्रिनिटी से ई ट्रांसफर कीजिए, एंड ई पेमेंट्स को थोड़ा प्रमोट कीजिए. अगर आप सही तरीके से प्रमोट करते हैं तो इवन इन रूरल एरियाज वहां पे आपको ये फायदा हो सकता है. नाउ यहां पे एक बात बोली है कि देयर विल बी हैजर्ड्स ऑफ पॉसिबल हैजर्ड्स ऑफ स्विचिंग टू कैश पेमेंट्स, जो अगर आप जल्दबाजी करते हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा. नाउ आई डू अग्री टू अ सर्टन एक्सटेंट कि आप कैश ट्रांसफर्स की तरफ चले जाएं, लेकिन ई ट्रांसफर्स के भी अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों को वे इन करना जरूरी है. नाउ देयर आर फंड्स व्हिच आर नॉट एन इमीडिएट कंसर्न सिंस नरेगा का जो बजट है, दिस हैज बीन रेज्ड टू अबाउट 1,00,000 crore रुपीज. तो अगर आप ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको इस चीज की ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप कैश ट्रांसफर की तरफ जाइए ना जाइए, बट हाँ, व्हाट यू शुड डू इज कि वो जो ई मस्टर रोल्स हैं उनको सिंप्लीफाई कीजिए, ई मस्टर रोल्स को सिंप्लीफाई कीजिए, या किसी तरीके से
चाहे आप UIDAI ऑथेंटिकेशन यूज कीजिए, जिस तरीके से आप भीम अकाउंट चलाते हैं उसकी ऑथेंटिकेशन होती है, उस तरीके से आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मस्टर रोल्स प्रिपेयर कीजिए। इसमें जो यूजर इंटरफेस है उस इंटरफेस को मिनिमाइज कीजिए, अगर आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं तो ही फायदा होगा। नरेगा इज सपोज टू बी अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम एंड इट हैज बीन एलोकेटेड एन ओपन एंडेड बजट। वो एक्ट जो है, इट ऑथराइजेस द गवर्नमेंट टू इम्पोज अ बजट कैप। ऐसा नहीं है, एक्ट के अंदर कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर बोला जाए कि वो बजट कैप लगा दे कि इससे ज्यादा पैसे इसमें नहीं हम खर्च करेंगे। तो ये चीज हमें समझनी होगी। आज इस एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही, हमने यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसको आपने एक काम करना है दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप पॉइंट फॉर्म में आप अपने नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सो मेक श्योर यू प्रिपेयर नोट्स आउट ऑफ दिस एंड पेपर पेंसिल लिख के बैठा कीजिए, बहुत फायदा रहेगा आपको। मैं आपको जो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सीधे तौर पर मेंस में उसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ये यार बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कारण क्या है कि अगर आप ये बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको सीधे तौर पर हमारे और आपके बीच की दूरी को दूर करने का प्रावधान मिल जाएगा। कारण क्या है कि आपको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड हमें अपने एसेज भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। आपको बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। हम अपनी वेबसाइट के जरिए आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ फॉर्म्स भी, करंट अफेयर्स की हमारे पीडीएफ तैयार हो रही हैं, ताकि वो देखिए कंपाइल्ड फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। उसी कंपाइल्ड फॉर्म में अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, आई एम अश्योरिंग यू कि उसमें से प्रिलिम्स के अंदर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरा अपना पर्सनल कह लीजिए एक्सपीरियंस रहा है कि जो मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूं वो डेफिनेटली प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ। हैव एन ऑसम डे अहेड।